लाया हूँ मैं। ये डॉडी स्टेटर का पहला लेक्चर है, इसमें मैं आपको डॉडी स्टेटर का अपने वीडियो को दिखाऊंगा। सबसे पहले जब हम डॉडी स्टेटर को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हैं तो इसमें हमारे पास लाइफ साइज, पोस्टर साइज, कॉमन एस एम एस और एच डी डी साइज मिलते हैं। इसके अलावा हमारे पास पोस्ट कार्ड लेटर कस्टम 3.6 कस्टम 3.6 वेब लार्ज, जो कि वेब डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, लेबल तैयार करने के लिए कस्टम, और ए फोर साइज जो कि एक लेटर साइज आम होता है वो होता है। इसमें हमारे पास हाइट भी है जिसको हम खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हाइट भी है। जब हम लेटर साइज को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें हम पिक्सल पॉइंट, इंचज फीट और बहुत सारे दिए गए हुए हैं। इसमें हम इंचज का यूज़ करते हैं। जो देखें जैसे हमने इंचज पर लिख लिया तो ये 8.5 मल्टीप्लाई बाई 11 इंचज के लिए इसलिए लेटर साइज सिलेक्ट होगा ऑटोमेटिकली। इसमें हमारे पास पोर्ट्रेट साइज, लैंडस्केप साइज यूज़ होते हैं। ये आर्टवर्क को सिलेक्ट एट अ टाइम आर्टवर्क को कितने आर्टवर्क आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया होता है। अगर आप एक पे क्लिक करते हैं तो एक आर्टवर्क सेलेक्ट होता है, अगर आप दो पे क्लिक करते हैं तो दो आर्टवर्क सेलेक्ट होते हैं। इस तरह जितने आप एट अ टाइम आर्टवर्क सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके साथ इसके टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो भी हमने रखना चाहते हैं वही बच्चा होगा। इसमें हमारे पास कलर भी यूज होते हैं, SMY के कलर्स और रेड ग्रीन ब्लू, मतलब RGB कलर्स यूज होते हैं। ज़्यादातर हम SMY के कलर्स को यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जब हम किसी आर्ट लेटर साइज को सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हाई क्वालिटी का रेजोल्यूशन वाला यूज़ करते हैं। इसमें हाई 300 PPI, मीडियम 150 PPI और स्क्रीन का PPI होता है जो कि स्क्रीन की रेजोल्यूशन में होता है। हम ज़्यादातर हाई क्वालिटी का यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो भी हम लोगो डिज़ाइन करें, कोई भी लेबल तैयार करें तो वो हाई क्वालिटी का हो। इसके साथ ही जब हम अब क्लिक करें के आगे क्रिएट करते हैं तो हमारे सामने एक आर्टवर्क क्रिएट हो जाता है। ये एक आर्टवर्क हमारे सामने क्रिएट हो गया है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको इसके टूल्स के बारे में और तमाम तक सीरीज A to Z सिखाऊंगा। थैंक यू।